हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्क शाइन मेहंदी टिप्स। और आज हमारी क्लास का डे 3 है। आई होप आपने पिछली दो क्लासेस देख ली होंगी मेरी, आपने अटेंड की होंगी टाइम से और आपने उनसे कुछ सीखा भी होगा। तो आज हम थर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और थर्ड क्लास में आज हम आपको बताएंगे कुछ फ्लावर्स की अलग शेप्स। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कुछ बेसिक फ्लावर की शेप्स बताई थी, अभी थर्ड क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी शेप्स बताऊंगी जो हम गुल्फ मेहंदी में यूज़ करते हैं, लाइक खलीजी मेहंदी हुई आपकी या फिर दुबई मेहंदी हुई। इस टाइप की जो मेहंदी में हम फ्लावर्स यूज़ करते हैं, मैं आज आपको वो बनाना सिखाऊंगी। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो और हमें भी पता चलता रहे कि हमारे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो हमें भी सिखाने में अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के फ्लावर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्पाइरल सर्कल बनाना सीखना होगा। स्पाइरल सर्कल किस तरीके से बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे और उसको पूरा राउंड राउंड कहीं भी, लेकिन उसको मिलाना नहीं है आपको, लाइंस को टच नहीं करना। जैसे जलेबी बनाते हैं गाइस, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाना है। इसे आप जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। तो आपको स्पाइरल सर्कल बनाना पहले सीखना होगा। अब देखते हैं कि इसको उल्टा कैसे बनाते हैं। आपको अपने हाथ पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आप अपना दूसरा हैंड आप ऐसे रखिए और इस हैंड पर आप अपने, जिस हैंड से आप डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको सपोर्ट लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपकी डिज़ाइन में या आप जब भी कोन चलाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस। तो इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी अगर आपको थोड़ा सा शेकी होता है तो। तो चलिए, अगर आप इस तरीके से स्पाइरल बनाएंगे उसके बाद हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम एक स्पाइरल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया हमारा सर्कल। अब इसके ऊपर हम छोटी छोटी सी टाइनी पेटल्स बनाएंगे। उसके लिए आपको कोन पर कंट्रोल रखना होगा गाइस, आपको बहुत ही कम प्रेशर देना है कोन पर और आप इस तरीके से छोटी छोटी पेटल्स ड्रॉ करिए। मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे किसी ने भी होमवर्क चेक नहीं कराया है अपना, इसका मतलब आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन उसको ट्राई नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी बड़ी पेटल्स बनाएंगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है sparkshine123। आप वहाँ पर मुझे आपके होमवर्क के फोटोज़ क्लिक करके सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आपका होमवर्क चेक कर सकूं कि आपने क्या सीखा। एक फ्लावर हमारा ये हो गया, इसकी आउटलाइन हम थोड़ी सी डार्क कर लेंगे। आजकल इस तरीके की मेहंदी बहुत ही ट्रेंड में है गाइस, तो इसलिए मैं लीव्स बनाने से पहले मैं आपको ये वाले फ्लावर्स बनाना सिखा रही हूँ। चलिए हम दूसरे तरीके का फ्लावर देख लेते हैं। उसके लिए भी हमें एक स्पाइरल सर्कल बनाना है।
वही सेम हमें टाइनी लीव्स बनानी है इसकी। कोन का प्रेशर आपको मेंटेन रखना है। एक बार फिर देख लेते हैं। टाइनी पेटल्स ड्रॉ करने के बाद हम इसके ऊपर छोटी छोटी सी थिक पेटल्स ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको कोन पे प्रेशर देना है एंड छोड़ देना है, प्रेशर देना है एंड छोड़ देना है, फिर से प्रेशर देना है, छोड़ देना है, प्रेशर देना है, छोड़ देना है। इस तरीके से हम छोटी छोटी सी ये लीव्स टाइप की इसके ऊपर बना लेंगे। सेकेंड टाइप हो गया आपका फ्लावर का। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। हमने स्पाइरल बनाया एंड लीव्स बना दी। बहुत आसान है ये फ्लावर बनाना, आप इजीली बना सकते हो। एक बार और ट्राई करेंगे। तो इजीली आप इस तरीके का फ्लावर बना सकते हो। नेक्स्ट टाइप हम देख लेते हैं। सभी में हमें स्पाइरल की जरूरत पड़ेगी, तो हम सर्कल तो स्पाइरल वाला बना ही लेंगे। एंड हम टाइनी पेटल्स भी बना लेंगे। ये वाली पेटल्स बनाने के लिए आपको कोन पे प्रेशर कम करना होगा। उसके बाद हम इस तरीके से इस टाइप के पेटल्स बनाएंगे। एंड इनको कलर कर देंगे। नेक्स्ट हम इनके ऊपर सेम और पेटल्स बनाएंगे।
इनको भी कलर कर लेंगे। नेक्स्ट फ्लावर देख लेते हैं। इसमें हम पेटल्स उल्टी ड्रॉ करेंगे। आई होप गाइज आपने ये फ्लावर्स बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं लीव्स बनाना सिखाऊंगी आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। उसके बाद मैं फिर से आपको एक पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। तो गाइज अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो आप पिछली क्लासेस भी फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आप ये क्लास थर्ड फॉलो कीजिए तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझने में। और गाइज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इंस्टाग्राम आईडी sparkshine123 पर आप मुझे अपना होमवर्क चेक करा सकते हैं डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, और मैं आपको रिस्पांस ज़रूर दूंगी। मैं आपको गाइड करने के लिए ही बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ सीखें, कुछ अच्छा सीखें, लेकिन आप लोग अगर चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कैसे सीखेंगे। तो अगर मैं सिखा रही हूँ तो मुझे पता भी होना चाहिए ना कि आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो आप मुझे आपका होमवर्क चेक ज़रूर कराइए गाइस। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। अगर आपको मेहंदी के डिज़ाइंस एंड पैटर्न चाहिए तो आप मेरे sparkshine वाले चैनल पर जा सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।